प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखिए, कई छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे 74 नंबर हैं और हम एससी कैटेगरी में आते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनके 74 नंबर उनको किस में दिखे, ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। जो छात्र कह रहे हैं कि रिजल्ट में बहुत गड़बड़ी है, तो इसका तो अभी कोई प्रूफ नहीं है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है। मेरे हिसाब से रिजल्ट आपका 100% अभी सही है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मुरैना में, जो मुरैना ज़िला है, तो यहाँ पर आप, ये मुरैना ज़िला है आपका। ठीक है, तो मुरैना ज़िले में जो लिस्ट है छात्रों की, 53 से स्टार्ट हो रही है एससी वाले छात्रों की। ठीक है, 53 से लेकर के लिस्ट कहाँ तक गई है, ये गई है आपकी 48, और फिर ये आपकी कहाँ तक गई है, ये 45 नंबर तक आपकी लिस्ट गई। यहाँ पर देखिए 45 नंबर, तो माना जिन छात्रों के नंबर 45 भी हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। समझ रहे बात, एससी के छात्रों के अगर 45 नंबर है तो सबका सिलेक्शन हो गया। अब वो छात्र कह रहा है कि सर हमारे नंबर 75 हैं, कैसे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एसटी की लिस्ट गई है 42 नंबर पर। ओबीसी की हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो ओबीसी में देखो, ओबीसी की लिस्ट जो है 53 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक गई है वो भी अपन देख लेते हैं। 53 से लेकर के ओबीसी की लिस्ट जो है 47 तक गई है। कहाँ तक गई है, 53 से 47 ओबीसी के छात्रों की लिस्ट। और जो अनारक्षित वर्ग के छात्र होते हैं, अनरिजर्व होते हैं, तो इनकी लिस्ट जो है 80 से शुरू होती है। और इनकी लिस्ट जो है कहाँ तक गई है, 80 से इनकी लिस्ट 80 से, 80 से कहाँ तक गई है, कहाँ तक गई है देखते हैं। 58 तक आई है, 57 तक आई है, 56 तक आई है लिस्ट इनकी, और 56 से भी नीचे गई है, 53 तक आई है। तो यहाँ पर देखिए, तो एससी के जो छात्र हैं उनकी लिस्ट, वो जनरल के जो छात्र हैं उनकी लिस्ट जो है 53 नंबर तक आई है। माना 53 नंबर वाले छात्र का भी इसमें सिलेक्शन हुआ है, सुमित सोलंकी नाम का एक छात्र है। ठीक है, डॉली परमार है, नैतिक सिंह तोमर है, तो ठीक है, इन लड़कों के नाम है। तो 53 नंबर वालों के सभी के सिलेक्शन हो गए हैं जनरल वाले छात्रों के। अब जो कह रहे हैं कि हमारे, अब जो कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब जो कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, सर हमारे नंबर 74 हैं, तो वो कैसे कह रहे हैं हमारे नंबर 74 हैं। अगर उन्होंने मार्कशीट निकाली है, प्रिंट निकाला है मार्कशीट का, हमने बोला था कि इसका स्क्रीन शॉट निकाल लीजिए, तो कुछ बात है। अगर आपकी मार्कशीट में 74 नंबर हैं, अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप आपत्ति लगा सकते हो। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके नंबर 74 हैं या 75 हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट 100% सही है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो हो चुका है, अब उनमें कोई